क्या ट्रेडिंग एक फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है? क्या ट्रेडिंग आपको चाहता है कि आप ट्रेडिंग का एक ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसके पीछे आप को अपनी जो एक वेल एस्टेब्लिश जॉब है उसको ड्रॉप लेके एक ट्रेडिंग के लिए आप अपना पैशन परस्यू करें? क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो उस पैशन, जो उस ट्रेडिंग पैशन को, जो उस ट्रेडर के ट्रेडिंग पैशन को सपोर्ट करे और उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में और ग्रूम करे? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ हैं विवेक जी, जो कि बीएस स्ट्रीट के फ्लोर पे एज अ ट्रेनी ट्रेडर हैं अभी, और उनसे जानेंगे कि बीएस स्ट्रीट को जब उन्होंने ज्वाइन करा, किस एक्सपेक्टेशन से उन्होंने ज्वाइन करा और अभी वो किस स्टेज में है और आगे किस तरह की एक्सपेक्टेशन बीएस स्ट्रीट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी की तरह वो रखते हैं। हेलो विवेक जी, स्वागत है। हेलो अक्षय। विवेक जी बताइए थोड़ा, किस तरह से आपने ट्रेडिंग को एज अ अपना फुल टाइम करियर सोचा और अभी आपका मतलब पीछे आप जॉब वगैरह भी कर चुके हैं और अभी क्या करते हैं आप? तो जॉब करते हुए मुझे 15 साल हो गए, तो ट्रेडिंग भी साथ साथ जब से मुंबई गए थे वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखे, NSE देखे, बहुत सारे रूममेट्स है जो गुजराती थे जो बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग करते थे, तो वहाँ पे ट्रेडिंग से इंटरेस्ट जागा। लेकिन जॉब के साथ साथ करना मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, बट देन ऑप्शंस जैसा चीज़ जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो फिर उसके लिए द अमाउंट ऑफ टाइम विच इट रिक्वायर्ड इज प्रीटी हाई, मतलब काफ़ी हाई, मतलब ऑन स्क्रीन रहना पड़ता है और ट्रेड करना पड़ता है, इंट्राडे अगर करना है तो उसी पर्सपेक्टिव से मतलब इंटरेस्ट। मुंबई की तो कहते हैं कि हवा में भी स्टॉक मार्केट घुला हुआ है, मुंबई और गुजरात दोनों ऐसा जगह है जहाँ पे लिटरली बचपन से ही सबको ट्रेडिंग आती है, मतलब उनके लिए अगर ऑप्शंस हो, स्टॉक्स हो या मार्केट्स हो, कोई नया चीज है। और दूसरा, हम जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आते हैं, वहाँ तो फॉर्मल एजुकेशन में कभी स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, आज भी नहीं है। मुझे उस बात से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है कि क्यों नहीं है। हाईली फाइनेंशियल्स जब पढ़ाते हैं, MBA में ही पढ़ाते हैं, आई एम MBA ग्रेजुएट, वहाँ भी स्टॉक मार्केट्स में कैसे ऑपरेट करते हैं, ट्रेडिंग का दुनिया क्या है, ये किसी को पता नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल लोग खुद ही ट्राई करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलना 2 मिनट का काम है, ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया फिर आप पैसा डालो, फिर आप टिपिकली बाई सेल करते रहो, रैंडमली करते रहो, यूट्यूब वीडियोज देखो, फिर कुछ किताबें पढ़ो और सीखने की कोशिश करो। उस पर्सपेक्टिव से फॉर्मल एजुकेशन जब तक नहीं है या प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं है, आप एक करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एक सेट तरीका है कि उनको क्या पढ़ाई करना है, क्या डिग्रियां हासिल करनी है, टू बिकम ए डॉक्टर, टू बिकम एन इंजीनियर, बट देन टू बिकम ए ट्रेडर आपके पास कोई रास्ता डिफाइंड है नहीं। इट्स लाइक आप कुछ यहाँ ट्राई करते हो, कुछ वहाँ ट्राई करते हो, कुछ गाइडेंस लेते हो, कुछ ट्रेड्स करते हो, इवेंचुअली आप फिगर आउट करते हो कि ट्रेडिंग इस तरह से होती है, 90% लोग फेल करते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग ही पहुंच पाते हैं क्योंकि इसका जनरल नॉलेज है नहीं इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। तो आपने भी अपना डीमैट अकाउंट खोला होगा? हाँ, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, राइट, मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स खोले हैं और फिर ट्रेड्स किए हैं, फिर धीरे धीरे समझे कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शन है ट्रेड करने के, कमोडिटीज है, वीकली ऑप्शन है, कैंडल स्प्रेड्स है, या फिर इक्विटी है, उसमें भी फ्यूचर्स है। तो बेसिकली आप जब बीएस स्ट्रीट में आए तो ये आप बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी थी, मार्केट के ऑप्शंस किस तरह से वर्क करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या है? रफली आइडिया था कि इन टर्म्स ऑफ कि ये मार्केट्स, मतलब ऑब्वियसली 10 साल से करते करते आप रफली समझ गए थे कि अब मार्केट्स का बेसिक्स क्या है, कुछ सर्टिफिकेशंस के हैं जिससे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कि मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कैसे ऑपरेट होते हैं। बट देन ट्रेडर बनने का जो जर्नी है, ऑब्वियसली जब मुझे लगा कि अब 15 साल हो गए काम करते हुए, प्रोफेशनल जर्नी हो चुका है जहाँ पे अब उतना मजा नहीं आ रहा है, बट देन साइड बाई साइड ट्रेडिंग 10 साल से साथ में चला आ रहा था, कभी पैसा बना कभी नहीं बना, पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, बट देन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन पा रहा था, तो देन आई फिगर्ड आउट कि मुझे कुछ प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, मतलब नॉलेज हो जाएगा, बुक पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मार्केट्स क्या है, बट देन मार्केट्स में ऑपरेट कैसे करना है, इंट्राडे प्लेयर कैसे बनना है, उसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस का ऑब्वियसली जरूरत है। तब रिसर्च करते हुए मुझे बीएस स्ट्रीट का नाम मिला और फिर अरविंद जी से बात हुई और फिर यहाँ पे यहाँ का मॉडल समझे कि किस मॉडल में ये ऑपरेट होता है, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब गुड टाइम है जहाँ पे पर्सनल फ्रंट पे अच्छा कॉर्पस डिपॉजिट्स वगैरह बन चुके हैं, अब थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को 6 से 1 साल देके Let's try trading and if
मोस्ट प्रोबब्ली वर्क कर जाएगा तो फिर इसी को अपना फुल टाइम करियर बना लेंगे। वांट गो बैक टू माय एक एक सवाल जो बहुत बिगनर ट्रेडर्स जो पूछते हैं विवेक, कि कितना फंड आपको मिल जाएगा, कितना कितना कैपिटल आपको मिल जाएगा, तो उस सवाल का आपको जवाब मिला? कैपिटल पर्सपेक्टिव से मेरा खुद का अच्छा खासा कॉर्पस है इन टर्म्स ऑफ, तो मेरी आई प्रेडोमिनेंटली बेस्ट स्ट्रीट ज्वाइन करने का रीजन मेरा कैपिटल नहीं है। मेरा रीजन है मोर प्रोफेशनल गाइडेंस है, मेरा रीजन मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ की डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, डेली का लॉस लिमिट्स मेंटेन करना या फिर प्रॉफिट टारगेट्स को मेंटेन करना, किस किन किन स्ट्रेटजीज पे काम करना डिफरेंट डेज पे, तो उन स्पेसिफिक एरियाज में मुझे इम्प्रूवमेंट करना था, अपना नॉलेज बढ़ाना था, तो दैट वाज माय प्राइमरी रीजन जो मैंने बेस्ट ज्वाइन किया। आपकी यहाँ पे जो जर्नी शुरू हुई वो सिमुलेटर्स पे शुरू हुई? हाँ। सिमुलेटर्स और लाइव में कितना आप कुछ उसकी हेल्पफुल आप समझ सकते हैं, कुछ उसका मोटिव समझ सकते हैं, क्या उसका मोटिव? कम्प्लीटली हेल्पफुल है। सिमुलेटर्स का मेजर बेनिफिट ये है कि आप अपने स्ट्रेटजीज या अपना जो माइंडसेट डेवलप करना है सिमुलेटर में कर लीजिए। दिस नो पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने ही पैसे सब ऑब्वियसली हिस्टोरिकली ट्रेडिंग करते आए होंगे, नहीं पैसा बना होगा तभी आप यहाँ पे हैं जहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं। तो आप जब सीखने के लिए आए हैं तो आप सिमुलेटर में सेम जैसे लाइव ऑपरेट करता है वैसे सिमुलेटर ऑपरेट करता है। आप यहाँ पे अपना सीख लीजिए, अपना स्ट्रेटजीज लगा लीजिए, अपना लॉस लिमिट्स मेंटेन करना सीखिए, अपना प्रॉफिट टारगेट्स मेंटेन करना सीखिए, और जब ये जर्नी आपका सीखने का जर्नी अच्छा खासा हो जाएगा तब आप लाइव में शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि बस ट्रेडिंग क्या है, घर पे बैठ के बस बाय सेल करना, कंप्यूटर के आगे लगे रहना। कुछ यहाँ पे आगे रियलाइज़ हुआ कि एक किस तरह का एक एनवायरनमेंट होता है ट्रेडिंग में, किस तरह की एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक चाहिए होता है चीज़ों को लेके? राइट, तो जैसे कुछ हैं, जैसे कि अगर घर में हैं तो फिर वहाँ पे 100% फोकस कभी लैपटॉप पे होता नहीं है, कभी ट्रेड्स मिला कभी नहीं मिला, मतलब 6 घंटा एक साथ बैठने का भी आई वुड से एक स्किल है जहाँ पे आप 6 घंटे एक लैपटॉप के सामने बैठ सकते हैं, नॉनस्टॉप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर इंटरडे प्लेयर हैं तो टिपिकली आप उठ के 5-10 मिनट का ब्रेक नहीं ले सकते जो टिपिकली हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेते हैं कि 1 घंटा का लंच कर लिए या फिर हम लंबे सिगरेट ब्रेक पे चले गए, बट वो सब यहाँ नहीं होता। लंच भी आपको अपने टेबल पे, लंच भी यहाँ देखते चार्ट देखते हुए, अब टिपिकली इंटरडे ट्रेडिंग में ये भी होता है कि आपका सिग्नल कब आता, आपका सेटअप कब आता, आपको पता नहीं। तो बेसिकली ऐसा बहुत बार होता है कि खाते खाते आप लेफ्ट हैंड से फिर अपना ट्रेड मारते हो। तो बेसिकली 6 घंटा बैठना, फोकस रखना, डिसिप्लिन रखना, वो सब चीज़ यहाँ पे बिल्ड हुआ है। मतलब मुझे 1.5 मंथ्स हुए हैं तो काफ़ी सारा उस पर्सपेक्टिव से डिसिप्लिन बिल्ड हुआ है। कुछ मेंटर का आपको सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे? हाँ, तो एक हमारे साथ एक मेंटर हैं, राजेश जी हमारे मेंटर हैं, तो वो टाइम टू टाइम हमारे सारे ट्रेड्स को मॉनिटर करते हैं, ट्रेड लॉजिक्स बताते हैं कि ट्रेड किस लॉजिक पे लिया जाता है। जैसे कि मैंने इनके अंदर कैलेंडर स्प्रेड एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी सीखा है, जो मेरे पास पहले से ही डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज थे कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो तो मुझे क्या करना है, बट जिस 60% टाइम मार्केट तो मूव करती नहीं है, ज़्यादा इन्हें रेंज रहती है, तो उन टाइप ऑफ डेज को कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो मैंने कैलेंडर स्प्रेड से काफ़ी कुछ सीखा है, उससे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी बन रहा है। तो बेसिकली ट्रेडिंग में आप सबसे ज़रूरी चीज़ क्या समझते हैं, प्रॉफिट्स या लॉस को मेंटेन करना? रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कि डेली अगर लॉस लिमिट लग गया, जैसे कि घर में होता है कि आपका 2000 लॉस हो गया तो आप एक और ट्रेड लेते हो, फिर 5000 लॉस हो जाता है, फिर एक और ट्रेड लेते हो 5000 रिकवर करने के लिए, तो उस रिकवरी के चक्कर में जो इमोशनल आउट कंट्रोल होता है बहुत वीक होता है, तो आप एक ही दिन में 2000 का लॉस को इवेंचुअली 10-15 हज़ार तक भी ले जा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास सिमुलेटर में कट ऑफ है कि आपका अगर 2500 के ऊपर लॉस हो गया तो सिस्टम खुद बंद हो जाएगा, आप उस दिन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हो, विच इज़ ए वेरी गुड आई वुड से फंक्शनलिटी टू हैव, जिसके वजह से हमें पता रहता है कि अगर इतना हिट हो गया तो आपका बाकी पूरा दिन आपको सिर्फ स्क्रीन देखना होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा लॉस लिमिट फॉर द डे हिट ना हो, ताकि हम हमेशा गेम में बने रहें और जब भी सेटअप आए हम ट्रेड कर सकें। चलिए विवेक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये पूरा आपका एक्सपीरियंस समझ के। उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उन्हें आपके इस एक्सपीरियंस से कुछ समझने को मिला होगा, जो वो गलतियां कर रहे हैं हो सकता है उन गलतियों में वो कुछ इम्प्रूवमेंट ले पाएँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप गलतियों से जब तक सीखते नहीं जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे अभी सिमुलेटर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, आप अपनी जो बेंचमार्क है टारगेट्स हैं वो फुलफिल करें और जल्दी से लाइव आईडीज के लिए एलिजिबल हों, और अल्टीमेटली जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है उसके पाथ पे एक जल्दी अपनी जर्नी शुरू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।